13 तारीख तक आवे वाला फरवरी में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में सब कुछ सामान्य रही। 13 तारीख तक ना सीट शेयरिंग के फॉर्मूला तय हुई, ना के कहां से लड़ी ये तय हुई, कौना पार्टी के प्रत्याशी कहां से लड़ी हैं ये सब बात के अभी पूरी तरह से गुप्त रखल जाई और 13 तारीख के बाद एक घोषणा होकर संभावना हुआ। नमस्कार, स्वागत कर बोलो के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव। भारतीय जनता पार्टी अब डेराग में बुड़ गए। डेराए के कारण बहुत सारा बुड़ गए, जो ना में एक कारण बुड़ गए 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के हार। एक साथ साथ अब बिहार में जो स्थिति बुड़ गए, बिहार में जदयू के आधा सीट देवे के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से बैकफुट पर बुड़ गए। और निश्चित बात कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो सांसद लोग बुड़ गए, वो लोग के भी टिकट कटी। एक साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में भी कुछ बात के लेके अंदरूनी चल रहा बड़े। सूत्र बता रहा बड़े कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एगो सर्वेक्षण कर ले बा। उस सर्वेक्षण के आधार पर पूरे देश भर में 100 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद लोग के टिकट कटे वाला बड़े। अगर ये बात लागू हो करुए और बात चूंकि पक्का बड़ुए तो बिहार के भी कम से कम 10 सांसद के टिकट कटे वाला बड़ुए। वो 10 सांसद के टिकट कटला के बाद जौन 31 तारीख से 13 तारीख तक बजट सत्र चले वाला बा, ओकरा में अगर घोषणा पहले हो जाई तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिक्कत हो सकेला और जदयू के भी दिक्कत हो सकेला। हो सकेला कि गठबंधन में टूट जाए और हो सकेला कि बहुत सारा नेता पाला भी बदल ले। इस बात के लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से विचार कर रहा बुड़ुए और सब कुछ गुप्त रखल बुड़ुए। ये बात के भी अंदरूनी खबर बता रहा बड़े कि यह बात के भी अब बिहार में खास करके नेता लोग के जौन सांसद लोग वालों और जौन खड़ा होके खाती तैयारी कर रहा बड़े लोकसभा 2019 के चुनाव में, वो लोग के भी अब रखल गए बड़ुए ऑन द वे, यानी कि रास्ता पर वो लोग के भी रखल गए बड़ुए। वो लोग के रास्ता बंद लिखे कही हुई। भारतीय जनता पार्टी चाहता कि कैसहूँ अच्छा से अंतिम जौन सत्र होला लोकसभा के, उस सत्र उनकर बढ़िया से बीत जाओ बिना कोनो अवरोध के। एकरा के लेके 31 तारीख से 13 तारीख तक पूरी तरह से उस सब लोग के संभावना व्यक्त कर जाता रहू। और यहाँ तक कहल गए लुड़ुए कि हो सकेला कि जदयू से नाता तोड़ के बिहार में और 40 के 40 सीट पर या फिर 6 सीट जौन दिहल गई बा LJP के, ओकरा के लेके और बाकी के 34 सीट पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ी। इस बात के लेके अभी भी संभावना जिंदा रखल गई बुड़ुए और ये बात अब तक के सबसे बड़ बात रुवालों के सामने भारत लाइव रख रहा बुड़ुए। ये बात के लेके लगातार चर्चा चल रहा बुड़ुए और इस चर्चा में ये बात क्लियर बुड़ुए कि 13 तारीख के बाद जौन घोषणा हुई, अगर उस घोषणा में 2 बात सामने आई, एक तो 13 तारीख के बाद बैठ करके भारतीय जनता पार्टी अपना नेता लोग से राय मशवरा करी और राय मशवरा में अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जा तो अगर गठबंधन में जाए के बात हुई तो टिकट केकर केकर कटी, वो 13 तारीख के बाद ही घोषणा हुई। अगर कोनो संभावना ज़्यादा बनत रुए जमा से लेके जदयू से ज़्यादा नाराज होता केंद्रीय नेतृत्व, तब वो स्थिति में भारतीय जनता पार्टी डिसीजन ले सकेला, निर्णय कर सकेला कि वो 40 के 40 सीटों पर खुद लड़ी। 13 तारीख के बाद फिर हमनी के मिलब जा और ये पूरा संभावना पर चर्चा हुई। फिर कौन खबर लेकर वालों के सामने हाजिर होगा, तब तक खाती गोड़ लगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।
एकरा अलावे दू गो और सीट पड़ू है जौना पर जदयू अपन खूंटा ठोके खातिर तैयार बढ़ू है। उस सीट पड़ू है किशनगंज के, रुआ पता पड़ू है किशनगंज के सीट हाल फिलहाल में कांग्रेस के जिम्मे रहा है। असलालुल हक वजह से कांग्रेस के सांसद रहे हैं जिनका इंतकाल हो गई बड़ू है। ये सीट पर भी जदयू के दावेदारी बड़ू है और भाजपा के ऐसे बहुत ज़्यादा अंतर ना पड़ी। लेकिन सुपौल के सीट जो बड़ू है, सुपौल के सीट पर भी दावेदारी बड़ू है जदयू के। सुपौल में अभी कांग्रेस के सांसद बाड़ी रंजीता रंजन, पप्पू यादव के पत्नी भी बाड़ी। इस सब बात के लेके कुछ ऐसा सीट बड़ू है जौन खुशी खुशी भारतीय जनता पार्टी जदयू के देवे खातिर तैयार हो जाए। लेकिन कुछ ऐसा सीट बड़ू है जौना के लेके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अंगुली रखला से या कहीं तो दावेदारी कैला से भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मचना जरूरी बड़ू है और उथल पुथल मच भी गई बड़ू है। रुआ लगातार देखत हो कब एक साथ साथ एगो सबसे जो महत्वपूर्ण सीट बड़ू है वो सीधे सीधे ना कह जाला कि माथा पर हाथ रख देना। उजियारपुर सीट के दावेदारी जदयू के सबसे बड़ा लागत रुए कि पिन पॉइंट बड़ू है। ऐसे कि उजियारपुर में भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सांसद बाड़े और वो पहले तो यह बात पर कोनो चर्चा ना करते रहे लेकिन जब से पिछला दो तीन दिन से वो लगातार यह बात के लेके मुखर हो गए बड़े कि उजियारपुर में केहू के सटे ना दे। जदयू के यह लिस्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी में का हुई कोना तरह के गदर मची या फिर बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी बोलो जैसन की सूत्र बता रहे बड़े कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार के पिछलगु बन के चले खातिर मजबूर बढ़ुए। वो हर उनकर जो आग्रह बढ़ुए या खूंटा जो ठोकले बड़े वो खूंटा के ओजे यथास्थिति रह दी या फिर खूंटा कबारे खातिर तैयार हुई। बहुत जल्दी समय बताई ऐसे कि जदयू के तरफ से ये बात के भी दावेदारी कर दिया बढ़ुए कि सीट और प्रत्याशी के साथ साथ फरवरी के प्रथम सप्ताह में वो घोषणा कर दी और एक घोषणा खाती वो अब एनडीए के इंतजार करिए कि ना करिए। इहो एगो महत्वपूर्ण बात बोलूँ। जुड़ा रही सब भारत लाइव और न्यूज़ बिहार के साथ साथे साथे निहोरा बोलूँ कि रोल के प्रेम आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मिल रहा बोलूँ, बहुत बढ़िया से मिल रहा बोलूँ। ये प्रेम आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रहे और अगर अब तक रुआ हित नाता गोतिया पटदार सही सलेहर में कोई भारत लाइव के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करवा के घंटी जरूर दबवा दे सब ऐसे कि जिसे रुआ लोग लगे सब खबर सबसे पहले भेटाते रुए वैसे ही उन्हों सब लगे मुफ्त में सेतिया में फ्री में बिना कोनो मंथली चार्ज दे ले बिल्कुल मुफ्त में सारा खबर रुआ लोग के प्राप्त हो जाए और सबसे पहले प्राप्त हुई एक दावेदारी हमने के जरूर कर पाएंगे। फिर मिले के वादा के साथ बोल लगा।